अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ राशिद अली खान और आज का दिन है ईद का और आ जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा। तो हमारे एक अजीज़ आए हुए हैं शारजा से, उनको लेना है, ठीक है, और फिर जद्दा लेके आएंगे। तो जद्दा लेने के आने के बाद जो है घर पे कुछ अरेंजमेंट रखा हुआ है। फातिम भी यहाँ पे है भाई। अस्सलामुअलैकुम। कैसे भाई फातिम, रेडी है मक्का के लिए? चले फिर लेने। चले हम अपने फिर गेस्ट को लेके आते हैं और जद्दा लेके आएंगे घर पे, और जो भी कुछ हम करेंगे आज की एक्टिविटी इस वीडियो में आने वाली है, देखिएगा और बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो सफ़र का अपना स्टार्ट करते हैं। और आगे हैं जिस होटल से पिक करना है और वो है मदीनतुल दाना मिल गया। सारी इबादत आपकी पूरी करे, बहुत खुशी, बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह ताला फिर आपको ले गया। हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत करम। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं और हमारा जो है जो प्रोग्राम है लंच का, ये है हमारा, ये ट्रेडिशनल हमारी आ गई सवैयाँ जो हर ईद पे हमारे घर में बनाई जाती हैं। और ये आ गया है पुलाव। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्या बात है, खिले खिले चावल है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और क्या क्या है भाई ज़रा बताएं यार। अरे यार ये क्या है भाई, कौरमा है? वाह भाई कौरमा भी है भाई, ज़बरदस्त। ये सैलेड आ गई और वो आ गया है कढ़ाई गोश्त। ये हमारा आसफ खान है और ये है अपना रायता और ये आ गया ईद का शीर खुरमा, ज़बरदस्त भाई। ओहो एक चीज़ और भाई, ये तो मैं भूल ही गया था, शीरमाल भी देखें घर के बने में। आपको जद्दा में तो नहीं मिलेंगे शीरमाल, लेकिन है ना हमारे घर में शीरमाल भी बनते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट शीरमाल है। अभी दानिश भाई इसका रिव्यू देंगे सबसे पहले। कैसा दानिश भाई शीरमाल, सॉफ्ट है नहीं है शीरमाल? ज़बरदस्त है ना, माशाल्लाह भाई। दानिश भाई का तो पसंद आ गया शीरमाल, अब हम भी स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे पुलाव, फिर एक एक चीज़ का आपको मैं रिव्यू देता रहूँगा और फिर दानिश भाई भी देते रहेंगे रिव्यू, कैसी कैसी चीज़ें हैं हमारे जो आज घर पे बनी हैं। यह आ गया है मटन पुलाव, टेस्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट। पुलाव जिस तरह होना चाहिए ना उसी तरह का पुलाव बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त। हाँ हाँ हाँ, गोश्त भी जो है ना इतना टेंडर हो गया है ना, क्या बताएं, ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त दानिश भाई ने ये प्लेट बनाई है, ज़बरदस्त खूबसूरत थी माशाल्लाह। ईद जो है ना मेहमानों के बगैर तो अधूरी होती है, और जब मेहमान आ जाए ना तो ईद का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ने आज हमारे घर पर मेहमान भेजे, अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे घर पर मेहमानों को भेजता रहे और अपनी हम इनकी रहमतों से, अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठाते रहें। अब जो प्लेट के अंदर है ना निकाल लिया है कढ़ाई गोश्त, ठीक है, और कौरमा। तो ये कढ़ाई गोश्त है और ये कौरमा है और ये घर का शीरमाल। अब टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, शीरमाल तो है ना इतना सॉफ्ट बना ना, क्या बताएं आपको। अब टेस्ट करके बताते हैं कि बना किस तरह का है कौरमा। पहले कौरमे को टेस्ट करते हैं। यह आ गया हमारा कौरमा, ओहो भाई कोरमा तो भाई लाजवाब है भाई, बड़ा ज़बरदस्त बनाया चिकन कोरमा। हाँ अब इसी एक बाइट शीरमाल को लेते हैं कढ़ाई गोश्त से। ये आ गया हमारा कढ़ाई गोश्त का बाइट, अरे है क्या टेंडर बनाया भाई, ये भी भाई ज़बरदस्त गोश्त तो भाई है, एंड है एंड एंड कढ़ाई गोश्त में जो है ना मसाले इसमें जो ऐसे रच गए ना, क्या बताएं इतना ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं, स्पाइसी। दानिश भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं पुलाव को टेस्ट करना, अब बताएंगे दानिश भाई पुलाव का क्या टेस्ट है हमारे घर का। जी दानिश भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम जो है ना लाइफ में जो है ना ये भूरे वाले सवैयाँ जो है ना हमारे घर की जो ट्रेडिशनल है ना वो खाने जा रहे हैं। ये देखें ये सवैयाँ निकालनी है दानिश भाई ने और ये दानिश भाई ने फर्स्ट बाइट ले लिया, बहुत ज़्यादा
भाई ये तो ना ये जो है ना लच्छे जो बन जाते हैं तोड़ना जो है ना कटिंग करनी पड़ती है, इस टाइम से कटिंग कर ली, फिर ये भूरे वाली सेवैयों को ऐसे निकाला और डाल दिया इस बॉल के अंदर। और इस पर थोड़ी सी हमने ये लिए नट्स हैं इसके अंदर, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, सारी चीज़ें इसके अंदर ये मिक्स हुई हैं। और ये नट्स भी इसके ऊपर और डाल दिए एक्स्ट्रा। अब इसको करना है, अभी वक्त आ गया इसको ऐसे करके मिक्स करने का। जब इसको मिक्स करेंगे ना, जितना मिक्स करेंगे उतना जो है ना टेस्ट इसका जो है ना ओहो ऐसा बन जाएगा ना ज़बरदस्त। और एक और चीज़, इसके ऊपर जो तड़का डला हुआ है ना वो बताना ही मैं भूल गया आपको, वो डला हुआ है असली घी का। जब इसको मिक्स करते हैं ना घी जो है ना नीचे आ जाता है चीनी के साथ, ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद जो है ना घी नीचे चले जाता है और जो है सेवैयाँ है ना फुल रच जाती हैं अपने इस शुगर के अंदर और ये बन जाती हैं स्वीट सेवैयाँ जो होती हैं कौन सी बॉयल्ड सेवैयाँ। टेस्ट करते हैं इसको। बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला। इसलिए कि साल में ये खाना नसीब होती है ईद पे दिन। तो फिर अपनी वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं दानिश भाई की इजाज़त के साथ। दानिश भाई कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, एवरीथिंग वाज सो गुड डिलीशियस एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई भी बहुत खुश हो गए माशाल्लाह, और हमें तो बहुत मज़ा आया। इसलिए कि हमारे घर हमारे रिलेटिव दानिश साहब आए हुए थे और वो भी शारजा से, तो ईद का मज़ा जो है ना मेहमानों के बगैर तो है ना मज़ा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह देश में जो है ना परदेश में जो है ना आज जो है देश का मज़ा मिल गया है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में अपने भाई को ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।